हेलो एवरीवन, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा, नेहा। आज है अष्टमी, सो इंडिया में तो सभी ने अष्टमी कर ली होगी, बट हमारे यहाँ पर अभी है, मॉर्निंग हुई है। मैं 4 बजे उठी थी, अभी टाइम हो रहा है 5 का, एंड मैंने अपना हलवा बना लिया है, चने बॉईल कर लिए हैं, एंड मैंने पूरी के लिए आटा भी गूंद लिया है, एंड तेल गर्म होने रखा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी 5 बज रहे हैं, चने मेरे बॉईल हो गए हैं, हलवा मेरा बन गया है। बस मैंने अभी इसे शिफ्ट करना है बर्तन में, एंड ये मैंने तेल बॉईल होने रखा है, एंड दिस इज़ पूरियों का आटा। बस शुरू करते हैं बनाना। सोच रही हूँ पहले पूरियाँ तल लूँ थोड़ी सी, चने में बाद में लाइक छौंक लगा दूँगी, जैसे जीरे का और नमक मिर्च हल्दी, दैट्स इट। एंड यस, पूरियाँ बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि शर्मा जी ने जाना होता है जल्दी, सो दैट्स वाई मैं जल्दी उठी हूँ। तो या शुरू करते हैं। तो हाँ जी, मैंने ना थोड़ा सा चेंज किया है, मैं सोच रही हूँ पूरी बनाने से पहले मैं चने ही बना लेती हूँ, सो काम डन हो जाएगा, देन पूरियाँ तलती जाऊँगी और निकालती जाऊँगी, एंड दिस इज़ द इजी वे आई थिंक। सो मैंने जिसमें हलवा बनाया था वही वाला पैन मैंने अच्छे से धो लिया है, एंड अभी उसमें बनाती हूँ मैं चने। एंड ये देखिए हलवा मैंने इसमें शिफ्ट कर लिया है, एंड ये पैन दोबारा से धो लिया है, इसमें करती हूँ। टाइम हो गया है 5:14 का। मसाला दानी निकालते हैं, ये लिया इसमें देसी घी, थोड़ा सा ना मैंने धनिया पीस लिया है, मुझे अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो चने भी तैयार हो गए हैं, एंड अभी बस फाइनल चीज़ है हमारी पूरी, सो पूरी का प्रसाद बनाते हैं। हलवा तो बन गया, चने भी बन गए, ये देखिए। और जो ये चने होते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं, इवन हलवा भी। प्रसाद का तो कुछ भी बनाए ना, मज़ा ही आ जाता है। एंड तेल अभी हमारा फाइनली गरम, 526, एंड ये है तवा, ओ सॉरी नॉट तवा, चकला, एंड दिस इज़ हमारा आटा पूरी का। तो चलिए जी, अब बनाना शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। शर्मा जी ने पूरी, चने एंड हलवा भी ले लिया है, सो यस हलवा ले लिया है, एंड अभी शर्मा जी माथा टेकने जाएंगे। शर्मा जी ने पूरे नवरात्रि रखे हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि माता रानी इनकी मनोकामना पूरी करे, एंड सभी की मनोकामना पूरी करे, जिसने भी श्रद्धा से व्रत रखा है, नहीं भी रखा है, श्रद्धा से पूजन कर रहे हैं, अष्टमी मना रहे हैं, एंड ईच एंड एवरी पर्सन। देखिए किसी की कोई मजबूरी भी होती है, कोई नहीं रख सकते है ना, तो माता रानी सबकी झोली खुशियों से भर दे, सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दे, एंड मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मुझे भी हिम्मत दे कि मैं हर टाइम पे जब भी अष्टमी आए उसे बड़े मन से अच्छे से मनाऊँ। तो अभी शर्मा जी मुझसे बोल रहे थे कि मैं बता दूं सबको, यूजली नेहा 4 बजे नहीं उठती है, बट टुडे आई वोक अप एट 4 o'clock, बट या यू नो मुझे नहीं पता, आज मेरे को नींद ही खुल गई, जैसे अलार्म बजने से पहले ही 10 मिनट पहले, 4 बजने से 10 मिनट पहले मेरी नींद खुल गई, और मुझे था कि मुझे उठ के सारा कुछ करना है। तो ऐसे होता है ना, अगर हम मन में कोई चीज़ सोच के करें तो वो ज़रूर हो जाती है। हाँ जी, तो हमारा प्रसाद बन गया है, माथा हमने टेक लिया है, एंड जो पैक करना था कंजकों का वो भी पैक कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, एंड शर्मा जी भी अपने
टीम मेंबर्स के लिए लेके जा रहे हैं। सो यस, सो ये देखिए, ये मैंने पैक कर दिया है, तो सबको प्रसाद मिल जाए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद मिल जाए मुझे यही चाहिए। एंड ये आरव और अनाया का है, ये मैंने पैक नहीं किया। बाकी जो देना है हमें कंजकों को वो पैक कर लिया है, एंड ये पहुंचा दिया जाएगा सबके पास। तो माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से टाइम पर हो गया। तो देखती हूँ अभी क्या करना है। अभी टाइम हो रहा है 6:30 का। जितना भी मैंने आटा बनाया था मैंने सारा ही कर दिया, क्योंकि मुझे था कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को प्रसाद दे सकूं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो अभी हो गया है 7:00 एंड मुझे ना बहुत नींद आ रही है। मेरी आंखों में देखिए नींद भरी पड़ी है, आईज ना रेड होनी शुरू हो गई हैं। पर चलो कोई ना, अभी दी अभी तो नहीं सोऊंगी। एंड आज बहुत अच्छा दिन है, आज अष्टमी भी है, आज मेरी भांजी का, छोटी वाली भांजी का बर्थडे भी है। सो हैप्पी बर्थडे समायरा, मे गॉड ब्लेस यू। एंड पैरी पहना मेरी कंजक, तुम इतनी दूर हो बट यस, तुम्हें माता रानी बहुत लंबी उम्र दे और तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी रहे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं तुम्हें एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे विश करती हूँ। मासी लव्स यू अ लॉट। तो हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है 11:30 का और अनाया इतनी हैप्पी है। अनाया के लिए ना ये कंजक है, तो इसके लिए सामान आया है। वाओ, अनाया दिखाएगी सबको क्या क्या आया है। पैकेट, अनाया बहुत एक्साइटेड है। हटो बेटा, इसको लेने दो, ये बहुत एक्साइटेड है। वाओ, बनाना, यस। एंड व्हाट वाज दैट अनाया? फ्लूट, ओ बनाना। अनाया लाइक्स बनाना, या वन मोर बनाना। वाओ, $20 अनाया गॉट। और ये क्या है, कलर करने के लिए अनाया के लिए। वाओ, ये कलर्स हैं, ओ नाइस। ये है प्रसाद अनाया के लिए। व्हाट एल्स यू गॉट? फ्रूटी आइस ग्लेस। वाओ अनाया, यू आर सो लकी। ना ना बनाना। अच्छा ना, ये बोलो जय माता दी। आरव एक्साइटेड हो रहा है, आरव कहता मैं खोलता हूँ इसको। मैं से नहीं करना, मम्मी ने सभी अभी क्लीन किया है। ओके, या भैया इज ओपनिंग इट। ओके, या ओके। हाउ इज ही सपोज्ड टू लर्न द? वाओ अनाया इज सो हैप्पी, फ्लूट बजा रही है अनाया। खुश हो रही है। बैक टू माई वर्क। तो मैं डिशेज कर रही थी, अचानक से बेल बजी एंड या, सो नाउ कंटिन्यू, आई कैन कंटिन्यू माई वर्क। आप सभी को ना मैं एक बात बताती हूँ। जैसे अभी अनाया के लिए आया है कंजक का सामान, है ना, प्रसाद आया है, बाकी चीज़ें आई हैं। तो आरव ना बहुत नाराज़ हो गया, कहता मेरे लिए क्यों नहीं आया। थोड़ा सा नाराज़ था। तो मैं मन में सोच रही थी कि चलो इसके पापा आएंगे तो इसे शाम को कुछ दिला लाएंगे। तो अभी अभी मतलब मैं हैरान हूँ कि जैसे पता नहीं क्या, अभी भी मुझे कॉल आई उनकी, जिन्होंने आरव को दिया है, सॉरी अनाया के लिए भेजा है सामान। वो कहते कि सॉरी, हम ना आरव के लिए भेजना भूल गए। मींस भूले नहीं, कि वो गाड़ी में ही पड़ा रह गया जो बिग बिग बैग था। तो
मैं इतनी हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है कि है ना अरब नारो नाराज हो गया और जैसे उनको पता चल गया हो, आई डोंट नो। वैसे तो वो सच ही बोल रहे हैं कि गाड़ी में रह गया था या घर पे रह गया था, जहाँ पे भी रह गया था। तो वो कहते हैं अभी मैं 10 मिनट में आऊँगी और आरव के लिए भी दे के जाऊँगी, कि हमारा लॉन्ग कड़ा तो रह ही गया। तो मैं बड़ी हैरान, और वो कहते कि माता रानी ने मुझे दोबारा से बुलाया है, क्योंकि वो जो हैं लेडी हैं उन्होंने अपने किसी रिलेटिव को भेजा था, भतीजे को भेजा था एक्चुअली घर पे। तो वो कहते माता रानी ने मुझे बोला है कि तुमने तो पैर छुए ही नहीं, तुमने तो माथा टेका था, तो तुम वापस जाओ उस घर में, और जैसे अनाया छोटी है तो उसके पैर छू कर आओ। हालांकि उस लड़के ने अनाया के पैर छुए थे एंड अनाया ने ये भी बोला था गॉड ब्लेस यू। तो ये बात सच है कि बच्चों में भगवान होते हैं। एंड अनाया व्हाट, ये क्या कर रही हो? तो मतलब मैं चॉकलेट केक, आज इसके मन में पता नहीं क्या चॉकलेट केक चल रहा है। तो मैं हैरान हो गई हूँ, ये लाइक ये दिन ऐसे होते हैं कि माता रानी सच में बच्चों में, मतलब बच्चों में बसती है। तो वो जो बातें बोलते हैं करते हैं, हम कभी कभी बच्चों की बातें इग्नोर कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों की बातें, बट यू नो टुडे मैंने ये देखा कि नहीं, बच्चों को तो सच में भगवान का रूप मानना ही चाहिए। होते तो हैं बट हम समटाइम्स इग्नोर कर देते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी टाइम 12:10 का हो रहा है एंड यस वो थोड़ी देर में आएंगे, देन आरव को भी दूंगी, आरव भी हैप्पी हो जाएगा। हाँ जी, तो आरव के लिए भी आ गया है लौंकड़े का सामान। अब बनाया दे नहीं रही आरव को, ये बर्थडे वाला बैग आया है एंड दिस इज आरव्स गिटार। लकी यू, दे दो उसको, अरब छोटी है, दे दो कोई बात नहीं। एंड दिस फ्रूटी ग्लेस अनाया, ये तो अच्छी बात नहीं है, भैया को भैया की चीज नहीं देती तुम। अब ये बजाएगी गिटार, इधर देखो, अच्छा गिव इट टू भैया। बच्चों का ये हाल होता है, ओह माय गुडनेस। तो चलिए जी, इस तरह से मनाई है हमने अष्टमी एंड इस तरह से रहा है ये हमारा माता रानी का प्यारा सा दिन। एंड वंस अगेन मैं चाहती हूँ कि माता रानी सबकी झोली खुशियों से भर दे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।